नमस्कार, मैं आशुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग संपूर्ण हो चुकी है। इस बार मध्य प्रदेश में 2018 से अधिक मतदान हुआ है, यानी इस बार वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इस बार चुनाव में वोटिंग परसेंट का एक नया ट्रेंड भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने इस नए ट्रेंड को फॉलो कर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत 1.5% से बढ़ गया है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार इस बार 230 विधानसभा सीटों में से केवल 50 सीटों पर वोटिंग खट गई है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार के 9 मंत्रियों की सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है। इन मंत्रियों में प्रेम सिंह पटेल, भूपेंद्र सिंह, उषा ठाकुर, मीना सिंह, विश्वास सारंग, राज्यवर्धन सिंह, तुलसी सिलावट समेत कई ऐसे नेता के नाम भी शामिल है। खबर है कि इनकी सीटों पर वोट प्रतिशत घट गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की हाई प्रोफाइल सीट पर भी इस बार 1% वोटर्स घट गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के 28 विधायकों की सीट पर वोट प्रतिशत तेजी से घटा है। वहीं कांग्रेस के भी 20 विधायकों की सीट ऐसी है जिन पर वोट प्रतिशत इस बार कम हुआ है, यानी उन पर कम मतदान किया गया है। वहीं बसपा और निर्दलीय विधायकों की कई सीट भी ऐसी हैं जिन पर कम लोगों ने इस बार वोट्स डाले हैं। ये सब मिलाकर इस बार मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर वोट प्रतिशत घट गए हैं। बहरहाल इस बार मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं ने अपनी नई सरकार बनाने के लिए वोट किया है। फिलहाल अब देखना यह है कि इस बार इस चुनावी रण में जो मतदान घटा है, क्या इसका असर चुनाव के निर्णयों पर देखने को मिलेगा, या फिर एक बार फिर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आपका जो भी हो कहना, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।